हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप एवरीथिंग इज फाइन। वेलकम टू डोंट नो डॉक्टर वंस अगेन। तो आज हम बात करने वाले हैं, जैसे आपने पिछला वीडियो रीजनल लॉक के बारे में बात की थी और आपने काफ़ी लोगों ने लिखा था कि आप बताएं कि हम कैसे पता लगा सकते हैं कि हमारा फ़ोन बाहर चल सकता है या नहीं, और कौन कौन से फ़ोन्स हैं ऐसे अवेलेबल जो चारों तरफ मतलब यूनिवर्सल जो हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि बेसिकली दो तरह की टेक्नोलॉजीज हैं बैंड्स को लेके। बेसिकली ये बैंड फ्रीक्वेंसी बैंड्स का सारा खेल है। कुछ फ़ोन सभी फ्रीक्वेंसी बैंड्स को सपोर्ट करते हैं, कुछ किसी किसी को करते हैं। तो बेसिकली दो तरह की टेक्नोलॉजीज हैं फ़ोन्स में, एक है CDMA और एक है GSM। CDMA लिमिटेड है, कुछ कुछ जगह पर होती है। जैसे एग्जाम्पल, जैसे रिलायंस के फ़ोन चले थे पहले, जब रिलायंस आया था उसको कहते हैं CDMA, उसमें कोई सिम नहीं डलता। बेसिकली वो पहले से ही कंपनी की तरफ से कुछ आता है सिस्टम, वो CDMA के थ्रू, मतलब उसमें सिम का सवाल ही नहीं है। तो अगर आपका फ़ोन CDMA वाला है तो वो सिर्फ CDMA के ही नेटवर्क में चलेगा, तो उसमें तो ये सवाल पैदा ही नहीं होता कि हम वहाँ जाके सिम बदल सकते हैं या नहीं बदल सकते हैं। तो CDMA ख़त्म, ये कम है बेसिकली। मैक्सिमम जो चारों तरफ फ्रिक्वेंसीज GSM की यूज़ होती है, जिसका मतलब है हम जिसमें हम सिंपल भाषा में बता रहा हूँ सिम डालते हैं, तो यहाँ पर भी 80-90% मोस्टली लोग वही यूज़ करते हैं। शुरुआत में CDMA चला था, लेकिन अब 90% GSM पर भी सभी काम कर रहे हैं, मतलब अपने मोबाइल्स में GSM नेटवर्क्स हैं, GSM फ्रीक्वेंसीज हैं, सिम डालते हैं, हम यूज़ करते हैं। अब कैसे हम डिसाइड करें कि हमारा फ़ोन यूनिवर्सल है या नहीं? अब जैसे बात हो रही है हमारे M30s की, ये बाहर चलेगा या नहीं। बात हो रही है फ्लैगशिप फ़ोन iPhone XS की, तो अब ये है, दिस इज़ फ्लैगशिप फ़ोन एंड दिस इज़ मिड सेगमेंट फ़ोन। तो क्या चीज़ है इनमें, क्या फ़र्क है, क्या है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, बैंड्स की अब बात होगी। GSM की जब हम बात करते हैं तो उसमें कुछ फ्रिक्वेंसी बैंड्स होते हैं, वो डिफरेंट एरियाज़ के डिफरेंट हैं। जैसे इंडिया में मेगाहर्ट्ज़ में बात होती है फ्रिक्वेंसी की, 900 से 1900 का बैंड मैक्सिमम चलता है चारों तरफ। जितने भी हैं एयरटेल वोडाफोन जितने भी यूज़ कर रहे हैं, वो इस बैंड पे आपको नेटवर्क अवेलेबल करवाते हैं। उसी तरह अमेरिका की तरफ चले जाएं, वहाँ पर होता है 850 से लेकर 1800। तो इस तरह से अलग अलग बैंड हैं और उनकी फ्रिक्वेंसीज हैं। ये हर एक कंट्री, जैसे एशिया का अलग चलता है, ऑस्ट्रेलिया का अलग चलता है, मतलब ये अलग अलग बैंड्स हैं। तो सबसे पहले अगर आप फ्रिक्वेंट ट्रैवलर हैं और आप वर्ल्ड टूर पे रहते हैं, या मतलब मेरा कहने का मतलब है आपको फ़ोन ऐसा चाहिए कि आप चाहे ऑस्ट्रेलिया चले जाएं तब आपको वहाँ का सिम डालो चल पड़े, आप चाहे अमेरिका चले जाएं, आप चाहे दुबई चले जाएं, आप जहाँ भी जाएं, आपको वो टेंशन नहीं होनी चाहिए कि मेरे फ़ोन में उनका सिम चलेगा कि नहीं चलेगा। अगर आपका सिनेरियो ये है तब आपके लिए फ्लैगशिप फ़ोन्स बने हैं, तब आप अपना मिड सेगमेंट फ़ोन से निकलें और फ्लैगशिप फ़ोन की तरफ आएँ। इन फ़ोन्स का सबसे बड़ा USP यही है कि इनमें क्वाड बैंड होता है। क्वाड बैंड का मतलब है चारों दिशाओं के हर तरह के जितने भी बैंड्स हैं, मैक्सिमम एक आधा छोड़कर, ये आईफोन जैसे एक्सेस है, ये प्रीमियम फ्लैगशिप फ़ोन है, उसी तरह सैमसंग का नोट 10 आता है, ये सब बैंड्स आपको मैं अभी दिखाऊंगा, अभी आपको क्लियर हो जाएगा किस तरह से आते हैं, क्योंकि कई तरह के बैंड्स होते हैं। 4G आजकल मैक्सिमम लेटेस्ट जो चल रहा है वो 4G चल रहा है, लेकिन अमेरिका वगैरह में 5G तक भी आ चुका है, तो वहाँ पर वो बैंड्स अभी इस फ़ोन में जो प्रीमियम इवन 11 में भी आई थिंक नहीं है, लेकिन आने वाले फ़ोन में वो भी शायद हो जाएगा। तो कहने की बात ये है कि अगर आप फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हैं, आप चाहते हैं आपको यूनिवर्सल ऐसा हैंडसेट हो जिसमें बस आप हर एक जगह आपको फ्रिक्वेंसी बैंड मिल जाए, उसको कहते हैं क्वाड बैंड मिल जाए, तो फ्लैगशिप फ़ोन हैं आपके लिए। अब दूसरी बात आती है मिड सेगमेंट में, जो कि बहुत पॉपुलर है, जैसे M30s है, बहुत पॉपुलर फ़ोन चल रहा है, इसमें ही काफ़ी और मिड सेगमेंट के रियलमी का आ गया है, मतलब काफ़ी ऑप्शन है आपके पास। इससे थोड़ा ऊपर जाएंगे 30-35 में OnePlus आ जाता है हमारे पास। तो हम चेक कैसे करें? चेक करने का तरीका बहुत इजी मैं आपको बताने वाला हूँ, आज पूरा क्लियर हो जाएगा किस साइट से आपको पता करना है। लिंक मैंने दे देना है, उस साइट पर आपने जाना है, उस साइट पर आपको हैंडसेट मिलेगा, साथ में आपको कंट्री मिलेगी और वो बता देगा कि आपका हैंडसेट है वहाँ पर कंपेटेबल है या नहीं। तो अगर आप यूनिवर्सल ट्रैवलर हैं, यूनिवर्सल फ़ोन चाहिए, इन झंझटों में पढ़ना नहीं है, तो फ्लैगशिप फ़ोन ले लो। उसके अलावा अगर आप कोई मिड सेगमेंट फ़ोन जैसे ये देख रहे हैं सैमसंग M30s या कोई भी OnePlus 70, और आपके कोई डेस्टिनेशन है, जैसे कई लोग जाना रहते हैं, हमारा हमने ऑस्ट्रेलिया जाते रहते हैं हम, तो हमें वो फ़ोन चाहिए जो कि
मिड रैंक सेगमेंट में हो और इंडिया में भी चले ऑस्ट्रेलिया में भी चले, तो उन लोगों के लिए अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस स्क्रीन के ऊपर अपने लैपटॉप की वो साइट। फ्रेंड्स ये है साइट का नाम है कीमोविल, कीमोविल.com, और इस तरह से आपको यहाँ पर सब कुछ देखने को मिल रहा है। अब जैसे अर्जेंटीना मैंने सिलेक्ट कर लिया, ओरिजिन अर्जेंटीना, और यहाँ पर मैं अगर डालता हूँ एप्पल का ही, पहले आपका ही मिड सेगमेंट का डालते हैं सैमसंग M30S। यहाँ पर आपको सारे मॉडल ये देखिए सैम, अब ये देखिए यही कारण है। अब ये सैमसंग M30S कवरेज इन अमेरिका, 5G इसमें नहीं है आपके पास। ये देखिए चार तरह के बैंड्स होते हैं, उसमें से B2 1900, B5 850 है, मतलब दो में से दो हैं, दो में से दो हैं, एक में से चार में से सिर्फ एक बैंड है, तो इधर चार अवेलेबल हैं। तो ये तीनों मतलब जिसमें आपको मैक्सिमम मिलेगा तभी उस पर चलेगा। ये देखिए कनाडा में देखते हैं, अब कनाडा में देखिए कितने बैंड्स हैं 4G के, तो मैक्सिमम आपको 4G पे कंसंट्रेट करना है। 4G के बैंड देखिए दो में से इनके पास सिर्फ 9 हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, अगर आप ये फ़ोन लेके वहाँ चलाएंगे तो बहुत कम चांस है आपको, काफ़ी जगह पर आपको नेटवर्क नहीं मिलेगा क्योंकि इसकी कवरेज ज़्यादा है ही नहीं है। देखिए ये बेल वायरलेस है इनके पास, उसका एक में से 6। अब ये देखिए ये चतर कोई वहाँ पर होगी कंपनी, तो इस तरह से। अब यही चीज़ अगर मैं यहाँ पर मॉडल बदल देता हूँ, यहाँ पर मैंने सैमसंग गलेक्सी M30S डाला है, इसके जगह अब हम फ्लैगशिप फ़ोन डालते हैं आपके सामने एप्पल का एक्सेस, एप्पल आईफोन एक्सेस, और अब देखिए क्या बनती है कहानी। ये देखिए 9 में से 9, 3 में से 3, 2 में से 2, तो इनको तो भूल जाइए। 4G देखिए सारे के सारे सिग्नल आपको मिल रहे हैं, नॉर्थ अमेरिका में भी सारे सिग्नल मिल रहे हैं, 6 में से 6, सब देखिए सब ग्रीन। तो ये फ्लैगशिप फ़ोन्स की बात है, अगर आपको ऐसे यूनिवर्सल फ़ोन चाहिए तब आपको हर जगह सिग्नल देंगे। अब ये कनाडा का है, इसको हम कहीं भी अब लेके जाएं, अगर हम इसको अब आप यूनाइटेड यूनाइटेड अरब जो आता है अपना यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स में देखिए आप 15 में से 16 बैंड्स, 3 में से 3, 3 में से 7, नॉर्थ अमेरिका में 16 में से 16 बैंड्स। तो इस तरह से ये जो बैंड्स हैं ये फ्रिक्वेंसीज हैं 1900, 1700, 850, 700। तो फ़ोन कौन सा है, आईफोन एक्सेस। अब यहीं पर अगर हम सैमसंग का M30S डालते हैं, यहाँ देखिए हालत रेड रेड रेड, 3 में से 16, 2 में से 3, तो ये देखिए यहाँ से आपको फ़र्क पता लग जाता है कि किस तरह से आपका फ़ोन वहाँ परफॉर्म करेगा, बिल्कुल ज़ीरो। तो इसलिए यही वो साइट है जो आपको हेल्प करेगी अगर आप स्पेसिफिक किसी एरिया में जा रहे हैं और कोई स्पेसिफिक मॉडल्स आपने सेलेक्ट किए हुए हैं। डेस्टिनेशन यहाँ भरिए ऊपर और यहाँ पर अपना फ़ोन का मॉडल भरिए, सभी फ़ोन आपको यहाँ मिलेंगे और फिर आपको ये बैंड सेलेक्ट हो जाएगा। और स्मार्टफोन्स में अब गैलेक्सी हाई एंड का फ्लैगशिप फ़ोन देखते हैं। अब जैसे ये इनका नोट 10 है, इनका अब तक का बेस्ट मतलब जो हाईएस्ट हाई एंड फ़ोन, तो इसमें आप जब जाएंगे तो यहाँ नीचे स्पेसिफिकेशन में बैंड्स दिए होते हैं, मतलब आप बैंड्स अगर आपको मालूम है वहाँ पर कौन सा बैंड है तो आप कंपैरिजन के बाद खुद देखना चाहते हैं फ़ोन के अंदर, तो ये वो दूसरा तरीका है। सबसे आसान तरीका मैंने आपको साइट पे जाके बता दिया, यहाँ जब करेंगे शो ऑल स्पेक्स तो यहाँ पर आपको बैंड्स देखने को मिलेंगे नीचे जाकर। ये देखिए ये 4G FDD, 4G TDD, ये फ्रिक्वेंसी डिस्पर्सिव है, ये टाइम डिस्पर्सिव है, तो इस तरह के ये देखिए ये सारे बैंड्स वहाँ पर आपको दिखा रहा है इसमें कितने ज़्यादा बैंड्स हैं। अगर इसी जगह हम इसका कोई M30S, आपको M30S का देखते हैं तो वो आपको इसमें बैंड्स कम दिखने को मिलेंगे। तो ये दूसरा तरीका आपको जानने के लिए कि आपके फ़ोन में वहाँ का बैंड है या नहीं, और सबसे आसान तरीका है इस साइट पे आना kimmobile.com, लिंक मैंने दे दिया है, आप यहाँ पर जाके विज़िट करें और विज़िट करने के बाद अपना आप यहाँ मोबाइल मॉडल डालें और यहाँ पर जिस कंट्री में आप देखना चाहते हैं उसके बारे में तो वो डालें, तो आपको पता लग जाएगा। तो ये था कुछ तरीका जिससे आप जान सकते हैं कि आपका फ़ोन बाहर काम करने वाला है या नहीं। अगर नहीं करने वाला है तो आप अपना मॉडल बदल के इसमें चेक कर सकते हैं साइट में, आपको क्लियर हो जाएगा। तो होप आपको पसंद आया होगा वीडियो, और आपका सवाल जो है, जो क्वेश्चन उठे थे काफ़ी कि हमें ये फ़ोन लेना है वहाँ चलेगा यहाँ चलेगा या नहीं, तो आप ये ऐसे कर सकते हैं टेस्ट, इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कौन सा फ़ोन आपको लेना चाहिए और
निचोड़ एक ही है, अगर आप ज़्यादा फ्रिक्वेंट ट्रेवलर हैं, थ्रू आउट वर्ल्ड घूमना चाहते हैं अपने एक ही फ़ोन के साथ, तो आप फ्लैगशिप फ़ोन्स पे जाएं। ऑन द अदर एंड आपका कुछ क्लियर डेस्टिनेशंस हैं कि मैं यहाँ जाता रहता हूँ, अमेरिका जाता रहता हूँ, या मैं ऑस्ट्रेलिया जाता रहता हूँ, या मैं दुबई जाता रहता हूँ, तो वहाँ के बैंड्स को जान लें और फिर अपने फ़ोन में सेलेक्ट देख लें कि वो बैंड्स आपके फ़ोन में हैं या नहीं, तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा। होप आपको पसंद आएगा वीडियो, अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और कोई भी आपका सवाल फ़ोन से रिलेटेड या किसी भी टैक्स से रिलेटेड है वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, क्योंकि मैं टैक्स से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ, जो मैं यूज़ करता हूँ, जो मेरा नॉलेज मैं ऐसे शेयर करता हूँ। और जहाँ तक ड्रोन्स की बात है, ड्रोन्स के लिए भी मैं यहाँ पर आता हूँ। अब ड्रोन्स का मैंने सेगमेंट इसलिए थोड़ा कम कर दिया है क्योंकि ड्रोन्स में इतना अपडेट्स इंडिया दे नहीं रहा, हम इंडिया में और आई नो काफ़ी लवर्स हैं, मैं भी एक ड्रोन लवर हूँ, लेकिन उस पर अपडेट्स कम आ रही हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो बने रहिए, पर जो भी अपडेट मुझे मिलेगी आई विल अपडेट ऑन दैट, रेगुलेशंस के ऊपर भी सब जो भी आएगा आई विल अपडेट ऑन दैट। होप आपको पसंद आएगा वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।